भाई यार रुको रुको, दुश्मन तो मुझे क्या मारेगा, तुम अपने राजा को मारने में लगे हुए हो यार। देखो ये तलवार है, तलवार को तलवार पे मारते हैं, काठी पे नहीं मारते किसी के, समझ आई। मैं राजकुमार कप्पू को सारी युद्ध की रणनीति समझाता हूँ, तुम जाओ और किलाबंदी शुरू करो, जाओ अंदर, यलगार हो, इडिया हो, बाजीगर हो, कुछ कुछ होता हो। ये जो तुमने बात की है ना, इसी पे एक छोटा सा युद्ध बनता है हमारा अभी के अभी, समझ आई, चलो अंदर। लेडीज एंड जेंटलमैन, पेशेंट्स एंड इम्पेशेंट्स, द कपिल शर्मा शो। एक मिनट, मैं राजकुमार कपूर को फोन लगाता हूँ। नहीं, वाकी टाकी कर लेते। हेलो राजकुमार कपूर, मेरी आवाज सुन रहे हो? राजकुमार कपूर, मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट रुको, मैं फोन लगाता हूँ। हेलो, मैंने मिस कॉल दिया, कॉल बैक कर रहा हूँ। हेलो, एक मिनट, हेलो, किधर से बोल रहे हो यार, बताओ कौन से फोन से बोल रहे हो? मैंने कॉल लगाया कि तुमने लगाया? मेरा फोन तो नहीं लगा हुआ ना, तुमने किया ना। हेलो 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 डॉक्टर साहब, हाँ हाँ आवाज आ रही है, थोड़ा और जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो, अभी लात भी आएगी। आप क्या कर रही है? Hey, प्रिंस कपू, हाउ आर यू? मेरे कॉल को रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे तो? कौन से कॉल का रिस्पॉन्ड करूं? कहां पे किया आपने मेरे को फोन? अरे मैंने तुमको किया ना, तो ये वॉकी तो आप ही के पास है ना, डुल ट्रू मेरे को थोड़ी ना दिया आपने, क्या क्या खाली हाथ से फोन उठा लूं आपका। खैर तुम ये बताओ, युद्ध के लिए तैयार हो? बहुत तैयारियां मैंने कर ली है, पागल सुअर पकड़ने वाली गाड़ी बुलाई है, छुप सकते हो तो छुप जाओ। और ये क्या पहन के घूम रहे हैं आप, ये किस किस स्कर्ट पहन के घूम रहे हैं आप? स्कर्ट नहीं है, ये युद्ध की ड्रेस है। मैंने सुना है कि हमारे मोहल्ले में कोई बादशाह अटैक करने वाला है, लेकिन आज मैं ये भी सोच रहा हूँ कि उसकी विजय यात्रा को यहीं रोक दूं। एक बात बताओ डॉक्टर साहब। हाँ जी। अपने मरीजों के लूज मोशन तो आपसे रुकते नहीं, तो आप उसकी विजय यात्रा कैसे रोकेंगे आप? There is a reason, सिद्धू साहब। क्या? आप जोर लगा के युद्ध तो रोक सकते हो, लेकिन लूज मोशन में अगर जोर लगाया तो बात फैल जाती है। खैर तुम ये बताओ कि तुम्हें कौन सा हथियार चलाना आता है? मैं हथियार क्यों चलाऊंगा, इतना अच्छा शो चल रहा है हफ्ते में दो दिन, तो क्यों हथियार चलाएं हम? एक बात याद रखो कप्पू, जान चाहे चली जाए लेकिन दुश्मन को कभी पीठ नहीं दिखानी। बिल्कुल नहीं दिखानी, आपकी तो किसी ने देखनी भी नहीं, जेनिफर लोपेज थोड़ी ना आप कि आपकी पीठ देख के कोई खुश होगा। लगता है बहुत बड़ी सेना आ रही है कपू, तुम मेरे बारे में मत बताना कि मैं कहाँ रहता हूँ। एक काम करो, वहां लिख के लगा दो कि डॉक्टर मशहूर गुलाटी जा रहा था। ठीक है ठीक है, मैं जा रहा हूँ, ये लेके जाओ अपना। और देखो ये होता है योद्धा, पीठ दिखा के नहीं जा रहा। एक बार जोरदार तालियां मिस्टर शाहरुख खान एंड आलिया भट्ट के लिए। तो शाहरुख भाई आज पहली बार हमारे सेट पे आए, हालांकि ये शो की शुरुआत शाहरुख भाई ने ही दिल्ली में की थी। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, आलिया आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा मुझे जब भी शाहरुख भाई आते हैं ना, मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी टेंशन कम हो गई है, क्योंकि शाहरुख भाई जब भी आते हैं इनका करिश्मा ऐसा है, इनका ऑरा ऐसा है कि पता नहीं एपिसोड कब निकल जाता है। भाई वी लव यू सो मच। नो थैंक यू, आई आल्सो लव यू। आलिया जी, आप शाहरुख भाई के साथ फर्स्ट टाइम फिल्म कर रही हैं जी, हाउ आर यू फीलिंग? हाउ आर यू फीलिंग अबाउट व्हाट राइट नाउ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी? ये मैं सब समझ गया, ये शाहरुख भाई के साथ एक फिल्म करने का नतीजा है, लड़की बहुत शातिर हो गई है। शाहरुख भाई आप हेमा जी और फराह खान के बाद ये तीसरी डायरेक्टर हैं, फीमेल डायरेक्टर, जिनकी डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं, गौरी शिंदे जी। भाई कभी भाभी के डायरेक्शन में काम करने का हमें मतलब देखने को मिलेगा कभी? जैसी मेरी फिल्में चल रही हैं अब लगता है वही डायरेक्ट करेगी, दूसरा कोई डायरेक्ट करने वाला नहीं। आइए शाहरुख भाई, आलिया प्लीज आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। शाहरुख भाई और आलिया की फिल्म आ रही है डियर जिंदगी, जिसमें आलिया के तीन ब्रेकअप हुए हैं। आलिया वो कहानी में थे तीन ब्रेकअप के, आपको वो कास्टिंग पसंद नहीं आई थी? एक्चुअली क्या हुआ था ना,
मुझे कहा गया था कि आप उन लड़कों में से एक होगे, तो एक से मैं मिली तो फिर मुझे लगा कपिल आएगा, नहीं आया, फिर एक और ब्रेकअप हुआ, फिर भी कपिल नहीं आया, फिर फाइनली शाहरुख खान आ गए तो मैंने कहा मेरे को कोई नहीं चाहिए। पहले ही दो लाइनों में मुझे लगा मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है, तीसरी में बड़ी शानदार बेइज्जती की आपने। तो अगर इतने ब्रेकअप हुए तो फिल्म का नाम डियर जिंदगी, मतलब डियर जिंदगी कैसे? आई थिंक ब्रेकअप होने के बाद ही जिंदगी डियर बन जाती है, ये मिसकंसेप्शन है कि मतलब जब रिलेशनशिप में हो तो जिंदगी डियर है। भाई क्या खिलाया आपने इसको? आलिया तो मतलब फुल ऑन फॉर्म में आज। नहीं मैं एक्साइटेड हूं आपसे मिलकर यहां के, मैं पहली बार आई हूं, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। सो स्वीट आलिया, आती रहना, अच्छा लगता है। अजी आलिया का ये कहना है कि आलिया को एक ऐसा लड़का चाहिए जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा हो, तो बड़ा अच्छा 3 की रेटिंग वाला शो चल रहा है, क्या ख्याल है आपका? पर शाहरुख भाई के साथ जब भी कोई एक्ट्रेस फिल्म साइन करती है तो सबके मन में ये होता है कि हाय शाहरुख के साथ रोमांस करने का मौका मिलेगा। इस फिल्म में डियर जिंदगी में शाहरुख भाई का आलिया का कोई लव एंगल है ही नहीं, तो इसमें किसको ज्यादा बुरा लगा, आलिया आपको कि शाहरुख भाई आपको? मुझे तो, मैं तो बच्ची समझ के गोद में लेके घूमता रहता था। उम्र की आड़ में मैंने सब कर लिया, मेरी कोई बात नहीं। आलिया पूरी स्क्रिप्ट तो आपने बाद में सुनी होगी, पहले तो किसी ने आपको बताया होगा कि आपको और शाहरुख को लेके आइडिया है मन में? नहीं। हाँ हाँ तो पहले मैंने स्क्रिप्ट सुनी, हाँ मुझे पता था कि वो उनके पास भी जाने वाले हैं, पर पता नहीं था कि वो हाँ कहेंगे या नहीं। अच्छा, तो मैंने हाँ कहने के बाद ही मुझे पता चला कि ये भी करने वाले। मैं गई थी उनके घर पे गीले बाल के साथ और मैं अच्छा। बहुत नर्वस हो गई थी क्योंकि मेरे बाल गीले थे, फिर उन्होंने कहा कि मेरे भी बाल गीले हैं तो तुम आ जाओ। यार ख्यालात मिलते जुलते तब से, ये मेरा लड़कियों को पटाने का तरीका है। अरे यार जो वो कर रही होती है मैं उस वक्त कर लेता हूँ। मैंने ये भी कहा कि अगर ऐसी ऐसी थोड़ा रोमांटिक हीरो हूँ मैं, ये तो है। एक लड़की को मैंने ऐसा भी कहा था कि तुम आ जाओ साथ में बाल गीले करते हो। इसको नहीं कहा, इसको नहीं कहा। पर एक बात तो है, आपने पहली फिल्म शाहरुख भाई के साथ की और पहली फिल्म में आपको रोमांस करने का मौका नहीं मिला, वो आपको एडवाइस देते नजर आ रहे हैं, लेकिन हम आपको ये मौका आज अपने शो पे देते हैं शाहरुख भाई के वन ऑफ द फेमस सॉन्ग के ऊपर। प्लीज हमारे पास मूड लाइटिंग भी आ लिया, हमने बहुत खर्चा किया इस शो पे, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स, ग्रीन येलो ब्लू, म्यूजिक हो जाए जरा, क्या बात। एक मिनट नरेश कपूर, नरेश कपूर आप शायद हमारे बारे में जानते नहीं हैं। और तू वही है ना जो पीछे चप्पल पे चावल खा रहा था? ऐसा थोड़ा ना होता है यार, ऐसा कोई खाता है कोई चप्पल पे चावल? ये सिर्फ चप्पल खा रहा था। इसमें हंसने वाले कोई बात नहीं, एक बादशाह ही दूसरे बादशाह के साथ मजाक कर सकता है, इस मंत्री को क्या पता। और हमारे साथ गुस्ताखी मत कीजिए, हम कल ही दुश्मनों से लोहा लेकर आए हैं। इतना अच्छा शो दिया, कबाड़ का काम नहीं छोड़ता ये। चल जाके अपनी चाय बेच, चट। अजी खुद फिल्म भी कर रहा है, शो भी चला रहा है, हमें चाय बैठ गया हुआ इसने। खैर बादशाह खान, लगता है इनको हमारे बहादुर के किस्से बताने पड़ेंगे। ओहो राजकुमारी आलिया, तुमने दोपहर का खाना खा लिया? भरी सभा में सच पेश किया जाए। अच्छा देखो कुदरत की मेहरबानी देखो, हाँ। एक तरफ आलिया भट्ट, दूसरी तरफ हट। तेरा कॉन्फिडेंस तुझे कैसे आता है? तलवार मेरे पास है, कॉन्फिडेंस क्यों ना आए? आलिया क्या है इसका, सच बताओ क्या है ये? ना एक्चुअली बाहर मेरी हेडर से कुछ छेड़ रहा था। क्या कह रहा था कि यू कीप इन टच, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। वो आपके इतने सारे बाल बना सकती, मैं उसकी छोटी सी लाइफ नहीं बना सकता। और वैसे भी वो सिद्धू पाजी के बारे में पूछ रही थी। ओ चलो। अच्छा जी? वो पूछ रही थी जी? यार आप बोल रहे थे कि सिद्धू पाजी के जितने भी शेर वो बोलते हैं शो में, वो भी मैंने सिखाया। तेरे रख के देना। और कि सिद्धू जी जीरो पे आउट हो गए, ये सब बोल रहे थे। सिद्धू साहब, सिद्धू साहब गुस्सा छोड़ो, सिद्धू पाजी को बैठ दो, कहीं गुस्सा ठंडा ना हो जाए।
मारो मारो इसको। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। ये हमारे खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है, वरना हम तो शाही लोग हैं, शाही खानदान से बिलोंग करते हैं। और तेरा दूध उबल गया, उधर जा। तारा दूध उबल गया, तेरे बर्नर में जा रहा है। तेरे को समझ, शाही खानदान भाई कोई नहीं, स्याही खानदान है इनका। ये जो आजकल ATM में लाइन नहीं लगती, तो वहां पे जो डिपॉजिट आते हैं उनके स्याही लगाता है ये। 2 रुपया पर पर्सन लेता है ये। हम तो चलो पाजी उंगलियों पे स्याही लगाते हैं, ये घुटनों पे तेल लगाकर बाद में बोलते हैं मालिश मालिश। करो भाई, आपको पता है ये मसाज कराने जाता ना, वो बोलते हैं कि घुटने के 10 रुपए, फेस के 100 रुपए। तो 10 रुपए दे के मुंह आगे कर देता, कहता है ये भी तो घुटने जैसा ही। अच्छा ये शाहरुख भाई, ये बचपन में भी लवेबल नहीं था? कई बार होता ना कि घोड़े के बच्चे भी प्यारे लगते हैं, छोटे 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 सुअर भी प्यारे लगते हैं, क्यूट। ये पहला ऐसा इंसान था, बच्चा है, लवेबल नहीं था बचपन में भी। पता है डॉक्टर छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगाते हैं ना टेटनस का, ऐसे लिटा के, पहले ऐसे ले ले, तो फिर इसका मुंह देख के डॉक्टर को इतना गुस्सा आया, उसने इंजेक्शन ऐसे खड़ा कर लिया, इसको पकड़ा, कहता ये ले। अच्छा बाकी हो गए ना, वो रुई लगाते हैं बाद में ना, कि रुई लगाते ठीक हो जाए, इसके उसने 4-5 थप्पड़ मारे। पाजी रुई लगाते हैं नाजुक बच्चों को, मैं शुरू से स्टील बॉडी था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और ये तो जैसे बहुत ज्यादा लवेबल थे ना, मैं बताता हूँ इनकी डिलीवरी के बाद, आफ्टर डिलीवरी ये डॉक्टर को पूछ रहे थे, कहते डॉक्टर आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, क्या आपने कभी सोचा था कि मुझे टीका लगाने का आपको मौका मिलेगा? अच्छा पैदा होता बच्चा को बोलता तेरा पंच फ्लॉप। लॉजिक वाइज जाएंगे। अच्छा सुन मेरी बात, शाहरुख भाई आए, आलिया आइए, फटाफट बाहर जाके उनकी गाड़ी पार्किंग में लगा के कपड़ा मार चल। यार गंभीर यार, डोंट बी सो रूड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा नहा धोके करना, बड़ी गाड़ी है, महंगी वाली। इसने भी गाड़ी ली शाहरुख भाई। और मजे की बात यह है कि उसमें पेट्रोल नहीं डलता। हाँ ऐसे बैठो, 2 लकड़ी के वो आते हैं उससे ऐसे। कि चंदू आप उदास मत हो, अभी देखो हम लोग बहुत इसकी टांग खींच रहे हैं, आप बहुत क्यूट हो एक्चुअली। ऐसे मत बोलो, मेरा रोना निकल रहा है। ये क्यूट लग रहा है। फोन है, व्हाट्सएप को फोन करके पूछता हूँ, दवाई खाई आज तुमने? नहीं खाई। अब तो अच्छा सा हार्ट अटैक देख के मर जा। नहीं बट एक्चुअली मुझे बहुत क्यूट लगता है एक्चुअली, राइट प्रोफाइल से ना साइड एक बिल्कुल शाहरुख के जैसे लगता है। अच्छा। नहीं सिमिलैरिटी तो है, जैसे शाहरुख भाई को डिंपल पड़ते हैं, इसको दौरे पड़ते हैं। अच्छा अच्छा सुनो सुनो, कुछ और बात करते हैं जी। मैंने सुना है कि आप ना शाहरुख की मिमिक्री बहुत अच्छी करते हो। नहीं वो तो बस जी ऐसे नहीं, एक्चुअली सुना है मैंने कि बहुत अच्छे डायलॉग डिलीवरी देते हो, पूरा मतलब बॉडी लैंग्वेज के साथ। किस किस साइड से करते हो? वाली साइड से जिस साइड से मेरे तरफ दिखते हो। मैं बस थोड़ा बहुत, कम ऑन चंदू प्लीज, मैंने प्लीज प्लीज चलो आप इतना फोर्स करती हैं तो फिर थोड़ा सा कर ही देते। मेरे को वो वाला माइक पकड़ाना, टाइम निकाल रहा और कुछ नहीं बहाने बहाने। हेलो, टेंशन में आ गया? तेरी नमकीन नागों की मस्तियाँ, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ, तेरी जुल्फ की लहराती हुई अंगड़ाइयाँ, कभी नहीं भूलूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसको चिल्लर थोड़ी दूर भगाओ यहाँ से। मतलब ना इसके बाद मैं हाथ नहीं खड़े कर सकूंगा तेरी वजह से। अब लग रहा मांग रहा हूँ, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। अलिया कैसे कैसी फरमाइशें करती हो, अपनी फिल्म पर फोकस करो, ये तो पागल है। आई थिंक चंदू कोई जेलिस हो रहा है यहाँ। मेरे को भी कुछ जलने की बदबू आ रही है। आलिया मे आई डांस विद यू? क्या आप बैठ जाओ, मैं आलिया को बोल रहा हूँ, आपको थोड़ी बोल रहा हूँ। ऑफ कोर्स चंदू। ये आइडिया तेरे मन में कहाँ से आया आलिया? आप अपनी गर्दन काट लें। लेकिन एक सेकेंड, आपने टच कैसे किया? ऐसे करके। पर क्यों, डांस करते तो ऐसे डांस करते हैं ना, ऐसे टच कैसे कर सकते? ये वो वाला बीट से आई नहीं। No, I'm sorry, you know, चंदू, मैंने आपको क्यूट कहा है, but I don't think it's fair that you can just touch. I don't feel like it's correct on your behalf. It's okay, अलिया, कोई बात नहीं है, बदतमीजी नहीं कर रहा था, ऐसे just told. नहीं, बदतमीजी नहीं कर रहा, चल, ऐसे नहीं करना आगे से।
सॉरी बट आई केप्ट माय हैंड हियर लाइक दैट. मैंने ऐसे रखा था क्योंकि टच नहीं करना आलिया को. बिना टच करे डांस कर सकते हो या अदरवाइज? ठीक, बाहर सूरों के साथ खेल रहा था, इधर आगे आलिया को टच कर रहा है. मारूंगा तेरे गर्दन पे. चल सीधा सीधा डांस करना है. सीधा सीधा करना है. हाँ मेरी तलवार पकड़ा दो फिर. चलो वंस अगेन म्यूजिक प्ले. ओह माय गॉड मैन, पारी काश ये असली होती, मैं अपने पेट में मर जाता. ओह आज का बेस्ट एपिसोड है आप मेरी लाइफ में. आप देखिए और आलिया का खराब दिन है उसकी लाइफ में. पाजी एक चाय वाले ने देखो 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए और दूसरे चाय वाले ने किसी का मुंह बंद कर दिया है. तो बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू आलिया. थैंक यू शरद सर. ओके बाय बाय.